नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है MRFA डील को लेकर। MRFA डील का पहले नाम MMRCA था, जिसके चलते भारत किसी दूसरे देश से इंडियन एयरफोर्स के लिए 15 बिलियन डॉलर का खर्च करके 114 फाइटर जेट खरीदने वाला है। और इसके चलते बहुत सारे देशों ने टेंडर लगाए थे। भारत के सामने अमेरिका बहुत तरह के हाथ पैर मार रहा था कि किसी भी तरीके से ये हमारी डील हाथ में आ जाए। इसके चलते लॉकहीड मार्टिन ने जो अपना F-21 भारत के आगे पेश किया है, उसके ऊपर उसने एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया है। कारण, ये दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी फाइटर जेट की डील है और इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा होगा अमेरिका को। इसके चलते उन्होंने बहुत बड़ा ऑफर दिया है, वो ये है। वो कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ डील करोगे तो 114 फाइटर जेट की डिलीवरी हम आपको 2 साल के अंदर अंदर ही कर देंगे। तो ये तो एक सच में बहुत बड़ी बात है कि एक साल में 114 से आधी संख्या के फाइटर जेट ऑलरेडी हमारी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिए जाएंगे और उसे ऑपरेशनलाइज भी कर दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कम से कम 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, लेकिन कहीं हमारे पास 30-32 के आसपास है, जिसके चलते भारत को बहुत बड़ा मतलब खतरा उभरा हुआ है। इसके चलते लॉकहीड मार्टिन ने ऑफर दिया है कि अगर आप हमसे हमारे साथ ये डील करते हो तो सबसे पहली बात तो ये F-21 फाइटर जेट हम किसी भी दूसरे देश को नहीं बेचेंगे। नंबर दो, इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम पूर्ण रूप से भारत में लगाएंगे और 2 साल के अंदर प्रोडक्शन करके कंप्लीट भी कर देंगे। इसमें भारत को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो भारत को इसके चलते टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल जाएगा, दूसरा जो मेंटेनेंस, रिपेयर और एडजस्टमेंट की फैसिलिटी है वो पूर्ण रूप से भारत के अंदर ही रह जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी फाइटर जेट को खरीदना एक छोटी मोटी बात नहीं होती, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस, उसकी रिपेयर और सालों साल तक उसका रख रखाव करना होता है। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि भारत को किसी भी दूसरे देश के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसके चलते उन्होंने एक शुरुआत कर भी दी है और टाटा कंपनी के साथ लॉकहीड मार्टिन ने एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है, जिसके अंदर वो F-21 के विंग्स को टाटा के द्वारा बनवा रहा है। और उन्होंने कह दिया कि भारत के पास कैपेबिलिटी है, मतलब अब दुनिया भर में जितने भी F-21 बिकेंगे उसके विंग्स को टाटा बनाएगा और उसका ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टाटा को कर दी भी गया है। इसके अंतर्गत तो उन्होंने यह बात भी कही है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटरनाइजेशन होगा, मतलब कि इस फाइटर क्राफ्ट को बनाने के लिए हम जिन भी इक्विपमेंट्स का यूज करेंगे वो भारत से ओरिजिन से ही निकल कर आएंगी। तो ये सच में भारत के लिए बहुत ही बड़ा फायदे का सौदा होगा। साथियों, अगर हम लॉकहीड मार्टिन की प्रोडक्शन की कमिटमेंट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ हम आपको लिख कर देंगे कि हम किसी दूसरे देश को नहीं बेचेंगे, फैसिलिटी तो यहाँ पर लगा ही देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको दे देंगे। यहाँ तक कि अगर हम इसके प्रोडक्शन की कमिटमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। कारण ये है कि लॉकहीड मार्टिन ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जो 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर काम कर रही है, लीड कर रही है। उसके बाद F-35 या F-16 को ये बहुत बड़ी संख्या में, मतलब F-16 को 100 की संख्या में और F-35 को 50 से ज़्यादा हर साल प्रोडक्शन कर रही है, और हेलीकॉप्टर को भी हर साल 100 से ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। तो इसकी प्रोडक्शन लाइन बहुत बड़ी है और भारत ने हाल ही में M-16 रोमियो भी इसी से खरीदा है। तो साथियों, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा किस न्यूज़ को सुनकर आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।